हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आपके साथ एक हेयर स्टाइल और शेयर करने वाली हूँ, और इसमें मैं आपको बताऊँगी कि हमें ब्राइडल का टीका भी किस तरीके से सेट करना चाहिए। तो देखिए, आप देख सकते हैं इस टाइम कि मैं इनका टीका जो सेट कर रही हूँ वो इस तरीके से कर रही हूँ कि पहले मैंने इनके एयर टू एयर पार्टिंग करके और पीछे एक पोनी बना दी है, और उसके बाद इनकी बीच से मांग निकाल के जो इनका टीका है, क्योंकि इनका जो मांग टीका है वो काफ़ी हैवी है आगे से, तो आप देख सकते हैं मैं पीछे इसको ले गई हूँ और मैंने इसको टीके को पीछे सेपरेट कर दिया है, और अब मैं इनका आगे से पफ बना रही हूँ। क्योंकि इस तरीके के टीके जो भी होते हैं वो सेंटर पार्टिंग से ही तैयार होते हैं, क्योंकि इसमें हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम लोग साइड की मांग निकाल के इस टीके को फिट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो टीके होते हैं इसमें आप बीच की मांग ही निकालेंगे और उसके बाद ही आपको दोनों साइड के पार्ट को बराबर बराबर लेके जाना होता है। वो आपके ऊपर है, आप कितना ऊंचा और कितना नीचा रखें। तो इनको ज़्यादा नहीं ऊंचा रखवाना था आगे का, तो इन्होंने काफ़ी फ्लैट वाला लुक लिया है आगे से, ओनली फॉर पीछे पफ है, और सिंपली इनके हमने देखे इस तरीके से आगे से बहुत फ्लैटली बाल लेके हल्का हल्का सा रोल करके और बालों को हमने सेट कर दिया है। देखिए, आप देख सकते हैं, और इनके कितना ईजिली टीका सेट हो गया है। दोनों साइड से हमने बिल्कुल सिंपल हल्का हल्का सा रोल करके बालों को कानों के पीछे लगा दिया था। देखिए, आप देख सकते हैं, और पीछे जो हमारी पोनी थी उसमें हम लोग, आप देख सकते हैं, इस टाइम पे मैं डोनट डाल रही हूँ, और ये डोनट डालना ब्राइडल में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी पे चुन्नी रुकेगी, तो इसी के चारों तरफ हम लोगों को गजरा वगैरह लगाना होता है। तो इनके पास गजरा तो ये नहीं लेके आई थी, बट ये रियल रोज़ लेके आई थी, जो इंग्लिश वाले रोज़ होते हैं, उसमें भी हमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने उनकी लीफ तोड़ के उसके बाद में इनका पीछे से जो जूड़ा है उसको बहुत अच्छे से सेट किया था, और आजकल काफ़ी चल रहा है वो जूड़ा भी। काफ़ी अलग अलग तरीके के जूड़े चलते हैं, आगे मैं आप लोगों के साथ हर तरीके की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। और ये रियल ब्राइड हैं, और इनका ये रियल ब्राइड का हेयर स्टाइल चल रहा है, और मैंने इनकी मेकअप की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और इनके दुपट्टे की सेटिंग की जो वीडियो है वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, उसका लिंक भी मैं इसमें प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। और देखिए कितना ईजिली हमने इनके जो बाल रह गए थे डोनट डालने के बाद, दोनों भी, ये मैं आपको पहले भी काफ़ी बार दिखा चुकी हूँ, दोनों साइड से इस तरीके से रोल करके और इनके जूड़े के चारों तरफ लपेट दिए हैं, और इसमें हमें कुछ भी फेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि ऑलरेडी इनका बाल काफ़ी हैवी था, और अब हम सिर्फ इसके चारों तरफ अपना एक गजरा लगाएंगे, जो आर्टिफिशियल गजरा हम लोगों के पास यूज़ होता है वो लगाएंगे, और उसके ऊपर से हम लोग देखिए रोज़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर पूरा रोज़ लग नहीं पा रहा है, क्योंकि ये इंग्लिश रोज़ है तो बहुत दिक्कत कर रही है पिन जाने में। तो फिर हमने आइडिया निकाला कि हम लोग रोज़ की जो लीव होती हैं उनको तोड़ने के बाद इनके चारों तरफ में हमने वो लगा दिया है। तो देखिए, आप देख सकते हैं, ये भी बहुत प्यारा था। तो अगर कभी भी आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आए कि आप फुल रोज़ जो इंग्लिश रोज़ होते हैं वो, क्योंकि हार्ड होती है ना उनकी, काफ़ी हार्ड होता है वो, तो पिन उसमें जाने में बहुत दिक्कत करती है, तो आप उसकी लीव तोड़ तोड़ के और उससे भी जूड़े को डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने इनका जूड़ा डेकोरेट कर दिया है, और आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।